हेलो इंजीनियर्स, मैं भवेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन पुणे से। आज का हमारा टॉपिक है TIA पोर्टल WinCC RT एडवांस सॉफ्टवेयर में हम लोग जो है ट्रेंड्स फीचर्स कैसे यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इजी फीचर्स रहता है, लेकिन डिमांड इसका बहुत ज्यादा रहता है। जैसे आपका कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है तो टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, फ्लो कितना है, तो ये एज ए ट्रेंड्स देखने का एक सिस्टम है, जिससे कि हमें एक्यूरेसी पता चलता है कि कितना आपका वैल्यू यानी कि ग्राफ जो है कितना स्मूथ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने एक टाइमर मैंने यूज किया है, तो इसके लिए हम लोग लॉजिक में देखेंगे। तो लॉजिक हमारा बहुत यहाँ पे सिंपल है। एक टाइमर लिया है, तो टाइमर को साइक्लिक कर दिया। एक टाइमर लेकर के हमने टाइमर को क्या किया है, इसको साइक्लिक कर दिया, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना है आपका 100 सेकेंड है। तो ये टाइमर मेरे क्या है, यहाँ पे साइक्लिक है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है यानी कि टाइमर टाइमर को टाइमर का यहाँ पे डन बीट है, इसको डॉट क्यू हमने यूज किया, तो ये ऑटोमेटिक 100 सेकेंड पे टाइमर मेरा साइक्लिक हो जाएगा। तो लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, और उसके लिए एक DB क्रिएट करके रखा है, जो कि इसके थ्रू हमें वैल्यू हमें दिखेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लॉजिक को ऑनलाइन लेता हूँ। मैंने ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया। लॉजिक में तो बहुत ही सिंपल है, इतना ही है कि हमें ऑनलाइन लेना है। लॉजिक मेरे ऑनलाइन जा चुके हैं, अब हमें देखना है कि हम लोग HMI की स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। तो ट्रेंड्स फीचर्स जो है हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस टैग को हमें केवल इंटरलिंक करना है, ठीक है। तो इस टैग को हमने क्या किया, यहाँ पे जब राइट क्लिक करके हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे ट्रेंड हमने फीचर्स लिया है, और ट्रेंड फीचर्स में जा करके सेम जो मेरा टैग जो है, जो ET यानी कि इलेप्स टाइम, उसको जा करके हमने इंटरलिंक किया हुआ है। तो इस फीचर्स को हमें क्या करना है, देखना है, यूज करना है कि 100 सेकेंड पे मेरा ग्राफ जो है ये 0 to 100, कि मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये बहुत ही सिंपल, सबसे इजी ये फीचर्स है जो मेरा मानना है HMI के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू जो है मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे लगभग 50+ से मेरा वैल्यू ये स्टार्ट हुआ, ये मेरा कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मेरा चेंज मेरा वैल्यू हो रहा है। तो जो भी वैल्यू हमें देखना है उसका, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, ट्रेंड है, टैग नेम क्या है, ET है, उसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 59, 60, 61। तो मैं अल्ट टैब करूंगा और लॉजिक पे जा करके मैं देखता हूँ कि मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं मॉनिटरिंग पे डालूंगा, क्योंकि बिना मॉनिटरिंग किए हुए हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखेगा। तो मॉनिटरिंग मैंने ऑन किया है, तो यहाँ पे टाइम मेरा क्या हो रहा है, 7, 8, 9। तो ये जैसे मान लीजिए कि अभी 11 है, 11, 12, 13 के आसपास में है, ये देखना है 11, 12, 13 के आसपास में वैल्यू है या नहीं, ठीक है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जा करके वैल्यू को देखना है और वाच करना है, देखना और इसको वाच करना है। तो ये कंटिन्यू जो मेरा लाइव वैल्यू है, ये मेरा HMI की स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, लॉजिक में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे 37, 40 के आसपास में वैल्यू जो है, उसको जब हम लोग देखेंगे तो यही 37, 40 के आसपास में यहाँ पे वैल्यू मेरा दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, करंट वैल्यू देखना है तो लास्ट में आपको रखना पड़ता है। तो ये करंट वैल्यू आप उसके, ये क्या है, ये जो मैं इसको मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है। तो हमें करंट वैल्यू देखना है तो लास्ट में इसको कर्सर को रखना होगा। तो हमारा जो है एग्जैक्ट यहाँ पे अप्रोक्स 65, 66, तो अल्ट टैब मैंने प्रेस किया, लॉजिक में भी लगभग वही हमें वैल्यू हमें दिख रहा है, राइट। तो ये फीचर्स जो था हमारा, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 79, 80, तो आपको 81, 82, हम लोग बार बार इसको देख सकते हैं, यहाँ 86, यहाँ भी 86 के आसपास में, ठीक है, यहाँ 93 के आसपास में है, तो यहाँ भी आपका 93 के आसपास में है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक फीचर्स था।
जो कि एज ए हमने क्या एज ए ट्रेंड हमने यूज किया, बहुत ही सिंपल ये फैसिलिटी रहता है और ये रेगुलर डिमांड में रहता है और बेसिक है, इसलिए इसमें ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो वैल्यू है, जो वेरिएबल वैल्यू है, लॉजिक में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो है, वो हमारा टैग उसके लिए हमें लिंक करना रहता है, जो कि एच एम आई में हमारा टैग वो क्या रहेगा, आपका लिंक रहेगा, जो कि ई टी के नाम से, एलेप्स टाइम के नाम से हमारे क्या है लिंक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमने सिंबॉलिक एड्रेसेस लिया है और टैग का नेम क्या है ई टी, राइट। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट और बहुत इजी है, इसलिए आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, वन क्लिक में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेंड्स फीचर्स, कैसे हम लोग टी आई पोर्टल विंसिसी आरटी एडवांस में यूज करते हैं। ये सिंपल मेथड आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।